दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप किसी भी काम को लगातार मेहनत और लगन से करते रहते हो तो आपको अपनी मंजिल को पाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि इंडिया में लगभग हर बच्चा खेलता है, और उसी में से किसी बच्चे के अंदर धीरे धीरे क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा होता है। कई बच्चे तो प्रेशर में आकर के उस जुनून को दबा देते हैं, और कोई ऐसा होता है जो अपने जुनून को आसमान की बुलंदियों पर बैठाए रखता है और लगातार मेहनत और संघर्ष करके आखिरकार अपनी मंजिल को पा ही लेता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक साधारण से परिवार में जन्मे पटना की गलियों में पले बड़े एक बिहारी लड़के ईशान किशन की। ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 में बिहार के नवादा जिले में हुआ था। ऐसे तो सारे सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि उनका जन्म पटना में ही हुआ था, लेकिन उनके दादाजी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका जन्म बिहार के नवादा जिले में ही हुआ था। उसके बाद उनके माता पिता पटना में शिफ्ट हो गए थे। ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को हुआ था नवादा में। दोस्तों, ईशान किशन के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम है राज किशन। ईशान किशन को उनके मंजिल तक पहुंचाने में उनके बड़े भाई का एक बड़ा ही सहयोग रहा। आगे चलकर के वीडियो में आपको सब बताएंगे, फिलहाल अभी जान लेते हैं उनके शुरुआती दिनों के स्ट्रगल के बारे में। दोस्तों, ईशान किशन को बचपन में क्रिकेट खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके बड़े भाई राज किशन को क्रिकेट में दिलचस्पी होने के कारण दोनों भाई ने पटना में ही एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले लिया, और दोनों भाई क्रिकेट के लिए जी जान से मेहनत करते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनके बड़े भाई राज किशन की दिलचस्पी पढ़ाई की ओर बढ़ता चला गया और उन्होंने एक डॉक्टर बनने का इरादा कर लिया। लेकिन ईशान किशन एक ही राह पे चलते रहे और उन्होंने अपना मेहनत जारी रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि उनके पिता प्रणव पांडे पेशे से एक बिल्डर का काम करते थे और उनकी माता सुचित्रा सिंह एक हाउस वाइफ हैं। ईशान किशन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा DPS यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना से लिया, और फिर उन्होंने कॉमर्स कॉलेज ऑफ पटना से BA की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, ईशान किशन बचपन से ही एक प्रतिभावान खिलाड़ी थे। वो हर मैच और हर टूर्नामेंट में हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस करते रहते थे, लेकिन उन दिनों राजनीतिक मुद्दों से जूझ रहा बिहार क्रिकेट संघ को BCCI से मान्यता नहीं मिलने के कारण उन्हें कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। उनके साथी खिलाड़ी बताते हैं कि ईशान इन सभी चीज़ों के बिल्कुल भी परवाह न करते हुए वो सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करते रहते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनको आगे बढ़ने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो अपने सीनियर खिलाड़ी और कोच की सलाह से अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से खेलने का निर्णय लिया। ऐसे तो किसी भी खिलाड़ी के लिए दूसरे स्टेट से खेलना इतना आसान नहीं होता है, पर ईशान किशन के टैलेंट और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें बहुत ही जल्द झारखंड टीम से रणजी खेलने का मौका मिल गया, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए ईशान किशन ने 2015 के रणजी सीजन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और उस समय उनका एज अंडर 19 होने के कारण उनका नाम इंडियन अंडर 19 टीम में भी आ गया, और साथ में उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम का कप्तान भी बनाया गया, और साथ ही साथ 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्हें कप्तानी करने का भी मौका मिल गया, और उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद उनका नाम IPL के ऑक्शन में आया और फिर गुजरात लायंस की टीम ने उन्हें खरीद लिया, परंतु गुजरात लायंस की टीम में उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला। फिर 2018 के नीलामी में उन्हें मुंबई इंडियंस ने 6 करोड़ की भारी रकम देकर के उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों, अगर उनके घरेलू परफॉर्मेंस की बात करें तो रणजी ट्रॉफी में 6 नवंबर 2016 को झारखंड की तरफ से खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ 273 रनों का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाया था, और 2017-18 के रणजी सीजन में मात्र 6 मैचों में 484 रन बनाकर के झारखंड की तरफ से सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे, और फिर वो हर टूर्नामेंट में लगातार तवा तोड़ बल्लेबाजी करते रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन ने 2020 के IPL सीजन में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाया था, और इसके बाद BCCI के चयनकर्ताओं की नज़र उन पर बनी रही, और फिर उन्होंने 2021 सीजन के विजय हजारे टूर्नामेंट में पहले ही मैच में 173 रन ठोक कर भारतीय टीम में शामिल होने का दावेदारी पेश कर दिया, और जब उन्हें इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला तब उन्होंने पहले ही मैच में अर्धशतक ठोक करके ये साबित कर दिया कि आप कहां से हैं ये मायने नहीं रखता, आप कहां जाना चाहते हैं ये मायने रखता है। तो दोस्तों, आपको भी ईशान किशन से ये सीखना चाहिए कि आप जहां से भी हो, अगर आप में क्षमता है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो अगर आप लगातार मेहनत और स्ट्रगल करने को तैयार हो। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं ईशान किशन के लिए 2 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा, बिना किए परवाह इस रास्ते का, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना मेरे दोस्त, अगर कभी हार भी जाओ क्रिकेट के इस खेल में, फिर भी लोगों का दिल जीतते रहना मेरे दोस्त। और दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल खेल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो नीचे लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी एक खिलाड़ी की कहानी पता चल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।